السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز حاضرین جمعہ اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ عز و جل کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے سماج اور معاشرے کی تباہی کے اسباب اور اس کا علاج۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ معزز سامعین، سماج کی جو حالت ہے، معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہیں، معاشرے میں جو تباہیاں، غلط کاریاں، بدکاریاں اور جو کرائم و جرائم ہیں، ہم اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ معاشرے کے کرائم سے، غلط کاریوں سے ہر شخص واقف ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی نہیں جانتا ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، سب جانتے۔ اور مجموعی اعتبار سے
आलमी पैमाने पर मुसलमानों के हालत से भी हर कोई आगाही रखता है कि आज मुसलमानों की क्या हालत है। तो हजरात, इस तबाही के और बिगाड़ के सबब क्या हैं? हमारा ये समाज, ये मुआशरा तबाही की तरफ दिन ब दिन क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या मजहब इस्लाम ने इस तबाही के कुछ असबाब बताए हैं या नहीं? इस बर्बादी के वजूहात कुरान और हदीस के अंदर मौजूद हैं या नहीं? आप अपने मुल्क के अलावा दूसरे मुल्क में नहीं बल्कि अपने मुल्क का ही अगर जायजा लेंगे तो मुख्तलिफ जगहों पर मुसलमानों के मॉब लिंचिंग हो रहे हैं। 4-6-10 भेड़िए इकट्ठा होकर के और मुसलमानों को कुटाई शुरू कर देते हैं। कोई भी नौजवान मुसलमान है, उसके अंदर दीन का जज्बा है, तो 2-4 भेड़िए पकड़ करके उसको कूटना शुरू कर देते, यहां तक कि बड़े बेरहमी से कूट कूट करके उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और उन खबरों को सुन करके हम और आप बहुत ज्यादा कुर्ब और बेचैनी में हो जाते हैं। लेकिन कभी हमने यह नहीं सोचा कि ऐसे जराइम को कैसे रोका जा सकता। मजहब इस्लाम ने इन जराइम से बचने के लिए और इसका हल क्या बताया है, कभी गौर नहीं किया। बस सुने, वीडियोस देखे, बड़ी तकलीफ हुई, दूसरों तक शेयर कर दिए। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, हमने कभी गौर नहीं किया। जहां तक मैं समझ रहा हूं, कुरान और हदीस को पढ़ने और समझने के बाद असबाब जो समझ में आते हैं, सबसे पहला सबब नमाजों में सुस्ती बरतना, दीन से दूरी। क्योंकि हर शख्स को अपने औलाद के बारे में असरी उलूम को लेकर के, दुनियावी मामलात को लेकर के बहुत ज्यादा फिक्र होती है, लेकिन दीन के मामले में कोई परवाह नहीं होती। हमारा बच्चा मुसलमान है तो क्यों है, हम मुसलमान हैं तो क्यों है, क्यों किसी को नहीं मालूम है, इल्ला माशाल्लाह शायद कि 2-4% बच्चा। अगर ये देखो छुट्टी थी दिवाली की, इसमें वर्कशीट अगर पूरा नहीं किया, स्कूल में टीचर हजरात भी उस पर उसे पनिशमेंट करेंगे, घर में भी उसको डांट डपट हुई होगी, इसकी परवाह होती है हमें? लेकिन वो हमारा बच्चा अगर मस्जिद में नहीं आया, नमाज नहीं पढ़ा, एक मां एक बाप को जर्रा बराबर उसकी फिक्र और परवाह नहीं होती है, उसके कान तक जो भी नहीं रेंगते हैं, क्योंकि हम खुद ही नहीं नमाज पढ़ते तो बच्चों के लिए क्यों फिक्र करेंगे। बल्कि उसके बर्बादी के दरवाजे भी हमने खोल दिए, मोबाइलें उन बच्चों के हाथों में दे दिया, वो बच्चे जो चाहते उसमें यानी दिनों रात उसी में बिजी रहते, मसरूफ रहते। हम अपने अक्सर औकात मोबाइलों में और गलत कामों में, गलत बातों में गुजार देते हैं, जिसकी वजह से नमाज जैसी अजीम इबादत की हमें कोई फिक्र और कोई परवाह ही नहीं होती। तो मुआशरे की तबाही के, मुआशरे के टूटने बिगड़ने मुंतशिर होने और बटने के असबाब में से एक अहम सबब नमाज की परवाह न करना। जुमे में इतनी मस्जिद भर जाती है, लेकिन फजर में, ईशा में एक सब, दो सब, तीन सब, और नमाजी बाकी सब कहां चले जाते हैं? सिर्फ जुमा फर्ज है, सिर्फ जुमा ही फर्ज है, बाकी नमाजें नहीं। बाकी 5 वक्त की नमाजें जो हम पर फर्ज हैं, वो कौन अदा करेगा, वो जिम्मेदारी कौन निभाएगा? मुसलमानों, रब्बुल आलमीन ने ऐलान कर दिया
अर्श वाले ने बयान फरमाया फखलफा मिन बादिहिम खलफुन अदाउ सलात वत्तबउ शावाति फसौफ यलकौन गैया। ओ कायनात के लोगों, जब जब तुम नमाजें छोड़ोगे, नमाजों में सुस्ती बरतोगे, नमाजों में लापरवाही बरतोगे, नमाजों से दूर होते जाओगे, मेरी गजब तुम पर नाजिल होती रहेगी, मेरी गजब की, मेरे अजाब की बरखा तुम पर बरसती रहेगी। पता चला हमने नमाज छोड़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समाज और मुआशरे को तोड़ दिया। एक बाप अपने बेटे के खिलाफ, बेटा अपने बाप के खिलाफ, माँ अपने औलाद के खिलाफ, औलाद वालदैन के खिलाफ, ये अजाब नहीं तो क्या है? अगर हमने नमाज पढ़ी होती, वक्त मुतय्यना पर नमाज की पाबंदी की होती, पांच वक्त की नमाजें अगर पढ़े होते, अल्लाह के सामने अपनी पेशानी झुका करके उससे तौबा किए होते, दुआएं किए होते, परवरदिगारा हमें वालदैन का फरमा बरदार औलाद बना दे। रब्बुल आलमीन इतना बेरहम नहीं है यारो, इतना बेरहम नहीं। उससे करीब आकर के देखो, उससे जुड़ करके देखो, यकीनन रब्बुल आलमीन की किब्रियाई पर, उसके वादे पर अगर हमें यकीन है। अर्श वाले ने ऐलान कर दिया, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, हदीस कुदसी है, मन आदली वलियन फकद आज़न्तुहु बिल हर्ब। ओ कायनात के लोगों, दुनिया में रहने बसने वाले लोगों, कान खोल करके सुन लो, जिसने मेरी मुसलमानों को सताया, मेरे नेक बंदों पर जिसने गंदी नजर रखी, याद रखना उससे मेरा ऐलान जंग है। त्रिपुरा में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के दीगर स्टेट में क्या हो रहा है, हमें रोने की जरूरत नहीं, मातम करने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अर्श वाले ने हमें खबर दे दिया, बशारत दे दी है, दुनिया के लोगों तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, पक्के मुसलमान बन जाओ, तुम्हारा रब अर्श पर बैठ करके तुम्हारी तरफ से दुश्मनों से जंग लड़ेगा, हमारी तरफ से जवाब देने के लिए अर्श पर बैठने वाला वो रहमान काफी है मुसलमानों, शर्त है सच्चे मुसलमान बन जाओ, पक्के मुसलमान बन जाओ। अर्श वाले ने बयान फरमाया, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वामिलुस्सालिहात, दुनिया के लोगों तुम्हारी हिफाजत भी करूंगा, तुम्हारी मदद भी करूंगा, तुम पर मेरी रहमत की बरखा भी बरसती रहेगी, शर्त है कि ईमान के तकाजों को पूरा करने वाले बन जाओ। अल्लाह ने बयान फरमाया, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वामिलुस्सालिहात, दुनिया वालों ईमान के साथ साथ ईमान के तकाजों को पूरा करने वाले बन जाओ। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज, अर्श वाले ने ऐलान कर दिया, सिर्फ हिफाजत नहीं, हिफाजत के साथ साथ मेरी रहमत तुमको मिलती रहेगी, मेरी बरकत की बरखा तुम पर तो बरसती ही रहेगी, उसके साथ साथ जमीन के तुम बादशाह बना दिए जाओगे, जमीन के खलीफा बनाए जाओगे। तुम्हारे वजूद का मकसद, तुम्हारे पैदाइश का मकसद ये है, पक्के मुसलमान तुम बनो, हिफाजत मैं करूँगा, बादशाह मैं बनाऊंगा, सुल्तान मैं बनाऊंगा, जमीन के जिम्मेदार बनकर के तुम जियोगे, अल्लाह का वादा है। और जब हमने नमाजें छोड़ी, समाज और मुआशरा टूटा, जगह जगह पर कट रहे, पिट रहे, मोब लिंचिंग हो रहे, अरे डाकू आएंगे चोरियां करने के लिए, आएंगे चोरी करके चले जाएंगे, मुसलमानों पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, वीडियोस नष्ट करने की जरूरत नहीं है, वो डाकू वो चोर आया कहां से, उस रास्ते को बंद कर दो, उस दरवाजे को बंद कर दो। अर्श वाले ने बयान फरमाया, चोरों के आने के दरवाजे तुमने खोले है, नमाजों से दूर होकर के, दीन से दूरियां बना करके, वो दरवाजे तुमने खोले है, जब तक वो दरवाजे नहीं बंद करोगे, यानी मुकम्मल नमाजों के पाबंद नहीं बनोगे, तब तक वो चोर घुसते रहेंगे, आते रहेंगे, काटते पीटते रहेंगे और मारकर चले जाते रहेंगे, चीखते चिल्लाते रहेंगे। कोई फर्क हो रहा है हिंदुस्तान में? मोदी सरकार जब से आई है, न जाने कितने लोग किसान यूनियन और दीगर क्या नाम है तंजीमें प्रोटेस्ट कर रहे, आवाजें कर लगा रहे, उठा रहे, ऐसे मुजाहिरात का कुछ असर दिख रहा है? और इतने ज्यादा चीखने से बेहतर
प्रोटेस्ट और मुजाहरा से बेहतर उर्स वाले को मनाते जो रूठ चुका है, जो नाराज हो चुका है, उसको मनाने में ये वक्त लगा देते, अल्लाह की कसम हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाता। वो तो बयान कर रहा मुसलमानों, तुमको आवाज हथियार उठाने की जरूरत नहीं, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, मुजाहरा और प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं है। अपने रिश्ते जो तुमने अपने रब से तोड़े हैं, रिश्ता मजबूत कर लो। वो कनेक्शन कट चुका है। ये लाइट का देखो रोशनी कितना बेहतरीन रोशनी दे रही है, ये लाइट, इसका कनेक्शन काट दो तारीख हो जाएगा। ये कनेक्शन कटा तारीख ही आ गई, यही कनेक्शन हमने जोड़ा, फिर से रोशनी ये बल्ब देने लगेगा। अल्लाह की कसम वो कनेक्शन हमने काटा है, जिस कनेक्शन से दुनिया को रोशनी मिल रही थी, अगर वो कनेक्शन फिर से मजबूत कर दे, जोड़ दे, दुनिया वालों को फिर से रोशनी मिलने लगेगी। ये रोना चीखना चिल्लाना सब बंद हो जाएगा, शोरगुल। तो इन क्राइम जराइम तबाही बर्बादी का मेन सबब नमाजों से दूरी। فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا। اللہ نے بیان فرمایا کچھ ایسے نہ ہیں لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی، اپنے منمانی کام کیا، نمازوں کو چھوڑا، نمازوں کی کوئی فکر اور پرواہ نہ کی۔ فسوف يلقون غيا، جس کی پاداش میں، جس کی وجہ سے میرا قہر نازل ہو گیا۔ अपने ख्वाहिशात की इतिबा, हमारी मर्जी जो होगा जो हो वही करेंगे। कुरान क्या कह रहा है, हदीसें क्या करें, नबी क्या करें, कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। कुरान के पैगामात क्या है, कुछ भी फिक्र नहीं। एक दूसरे के खिलाफ कारियां करने में हम आगे हैं, एक दूसरे के खिलाफ तंज करने में हम ज्यादा आगे हैं। तंज करने से बेहतर उसकी हिदायत की दुआ कर देते कि अल्लाह मेरे भाई को हिदायत दे दे। जिसको तू अदावत की नजर से देख रहा है, जिसको दुश्मनी की नजर से देख रहा है, जिसको तू गलत नजरिए से देख रहा है, ताक रहा है, वो तेरा भाई है, अपना है, कोई गैर नहीं है। और रिश्ता तूने नहीं जोड़ा, ये रिश्ता हमने नहीं जोड़ा, तेरे रब ने जोड़ा है। अगर वो मुसलमान है, अगर उसको मुसलमान मानता तो तेरा भाई है, और अगर कुफ्र मानता तो ये अथॉरिटी किसने दिया कि कुफ्र का फतवा नाफिज कर दे। दुआ कर देते या अल्लाह इसको हिदायत दे दे, गलत रास्ते पर जा रहा है। मुमकिन था हमारी दुआ कबूल करता अल्लाह ताला, हमारी फरियाद सुन लेता, उसको हिदायत दे देता। इसको अपना आयत कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कुछ ऐसे गंदे लोग पैदा हुए जिन्होंने नमाज की कोई फिक्र नहीं की, कोई परवाह नहीं की, जिसकी वजह से मेरा अजाब नाजिल हुआ। अब अजाब किसी भी शक्ल में नाजिल हो सकता, आपस में फूट डालकर भी अजाब नाजिल करता है रब्बुल आलमीन, आपस को लड़ा करके भी अजाब नाजिल करता है, भुखमरी नाजिल करके भी अपना अजाब नाजिल करता है, दुश्मनों को मुसल्लत करके भी अपना नाजिल करता अजाब नाजिल करता है, बाप को औलाद को बाप का बागी बना करके, वालदैन का बागी बना करके भी औलाद जो है अजाब नाजिल करता है। यानी अजाब के मुख्तलिफ शक्लें हैं। ये और बात है कि उसके अजाब को हम पढ़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, दिलो दिमाग बिल्कुल सियाह हो चुके। तो तबाही के असबाब में से एक मेन सबब नमाजों की पाबंदी ना करना। अब मैं गला फाड़ फाड़ करके बोल रहा हूं यारों नमाज पढ़ो, पाबंदी करो, नहीं तो अजाब नाजिल होते रहे। अब ये देखना कि असर में कितने लोग आते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं। इंशाल्लाह सब पढ़ेंगे नमाज पाबंदी के साथ, 5 वक्त की। कितने वक्त की? 5 वक्त की नमाज है, 2 वक्त की नहीं, 3 वक्त की नहीं। अर्श वाले ने अपने आखिरी पैगंबर को जो नमाजें दी हैं 5 वक्त की, 1, 2, 3, 4 नहीं। ऐसे नमाजियों का हश्र अल्लाह ने बयान फरमाया जहन्नम, जो 1, 2, 3 वक्त की पढ़ते, पाबंदी नहीं करते नमाजों में, अल्लाह ने कहा ऐसे नमाजियों के लिए वैल है जहन्नम। और यह आयत ना फखलफा मिन बादिहिम खलफुन अदाउ सलात, ये भी नमाजियों के बारे में ही है, बेनमाजियों के बारे में नहीं, नमाजी के बारे में। अरे भाई, दौलत वही जाये करेगा जिसके पास दौलत होगी ना,
नमाज वही छोड़ेगा जो मुसलमान होगा ना, जो नमाजी होगा वही तो नमाज छोड़ेगा, और जो नमाजी नहीं पढ़ता नमाज क्या छोड़ेगा। जिसके पास नमाज है वही तो नमाज की ज़िया करेगा, जिसके पास है ही नहीं वो ज़िया क्या करेगा। अल्लाह ने कहा फखलफ मिन बादिम खलफुन अदाउ सलात, नमाज को ज़ाय कर दिया तो नमाज है तब तो ज़ाय करेगा, सुस्ती किया इसका मतलब ये नमाजों में गफलत बरती। पता ये चला इस आयत करीमा के मिसदाक हम और आप हैं, कोई दूसरे नहीं। अब आप बताओ कि जब हम कभी कभार नमाज पढ़ते, इतना खतरनाक आजाब की धमकी अल्लाह ने दी है, और जो नमाजी नहीं पढ़ते सिरे सिरे से, उनका उनके लिए कितना खतरनाक आजाब होगा, कितना बड़ा आजाब होगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि जब जब तुम नमाज से दूर रहोगे तब तब मेरा आजाब तुम पर नाजिल होगा, और जब तुम नमाज पढ़ने लगोगे तो तुम पर कोई गंदी नजर भी डालेगा तो उसकी आंखें फोड़ दूंगा। अर्श वाले का ऐलान है, मनाद अली वली फकत आदमतु बिलहर्बी, जो भी मेरे मोमिन बंदों से जंग करेगा, उन्हें सताएगा, परेशान करेगा, उसके खिलाफ मैं ऐलान जंग करता हूं। कौन? अल्लाह। और रब्बुल आलमीन जिसकी तरफदारी करने पर आ जाए, रब्बुल आलमीन जिसको पीटने पर आ जाए, क्या उसको पिटने से कोई बचा सकता, और क्या जिसकी तरफदारी करे उसको कोई मार सकता? कोई नहीं। मजीद अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया वमा तकर्रब इलैय अब्दी बिशैइन हब्बा इलैय मिम्मा अफ्तरस्तुहु अलैय, मेरा बंदा सबसे ज्यादा जो मेरी कुर्बत हासिल करता उन चीजों के जरिए से, जो चीज मैंने अपने बंदे पर फर्ज कर दी है, वाजिब कर दी है, यानी नमाज, सबसे ज्यादा अगर अपने रब को मना सकते जिस चीज के जरिए, वो नमाज है। क्या है वो? नमाज। वमा यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता उहिब्बु, मजीद अल्लाह ने बयान फरमाया कि मेरा बंदा बराबर पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता, उसके साथ में नवाफिल का भी एहतमाम करता है, और जब नवाफिल का एहतमाम करता तो मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूं। अभी देखना, अभी जब जुमा फर्ज खत्म होगा ना, बगैर नमाज पढ़े भागने लगते। कोई जरूरी थोड़ो है नवाफिल नफली नमाज पढ़ना, सुन्नत पढ़ना कोई जरूरी थोड़ो है। मेरे ख्याल से 70% लोग निकल जाते हैं, उन पर सुन्नत ही नहीं। बेचारों को नमाज की तो तौफीक दे दी, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और सुन्नत भी पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन तौफीक मिली मस्जिद में आने के लिए, लेकिन बदनसीबी ऐसी कि सुन्नत भी अदा करने की तौफीक नहीं मिली, वापस भाग गए। क्योंकि शैतान भगाता है, जल्दी निकलो जल्दी, और करते क्या? कुछ नहीं, मस्जिद के बाहर जाकर के बातें शुरू रहती। अल्लाह ने बयान फरमाया मेरा बंदा जब नवाफिल का एहतमाम करता है तो मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। फैदा अहबबतु कुंतु समिअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही, और जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करने लगता हूं उसकी कान बन जाता हूं जिससे सुनता है। यारो वॉकमैन की वॉकमैन कान में लगाने की जरूरत नहीं आएगी, चोरी चोरी गंदी चीजें सुनना और प्राइवेट क्या नाम है खुफिया तौर पर अंधेरे में जो है गलत सेटिंग करके बातें करना, रब्बुल आलमीन कहता वो तुम उससे दूर हो जाओगे। अल्लाह ने बयान फरमाया तुम्हारा काम मैं बन जाऊंगा, तुम गंदी चीजें नहीं सुन पाओगे, गलत चीजों के सुनने से तुमको बचा लेगा। नवाफिल का फायदा देखो, सुन्नतों के एहतमाम का फायदा, और सुन्नतें छोड़ करके भागते। अल्लाह ने बयान फरमाया कि कुंतु समिअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही वबसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही, आंखें बन जाऊंगा जिससे तुम देखोगे, यानी गलत चीज नहीं देख सकते टकटकी बांध करके, जो हसीनाओं के यानी औरतों के नसीबो फराज का जो है दीदार करते रास्ते के दोनों तरफ बैठ करके, जाने वाली हमारी या तो बहन होती, या तो हमारी मां होती, या तो हमारी बेटी होती, कोई ना कोई हमारे अपने होते और मजे लेते। रब्बुल आलमीन बयान फरमा कि तुम नमाज के पाबंद बन जाओ, नवाफिल के एहतमाम करने वाले बन जाओ, तुम्हारी गंदी नजरों की हिफाजत मैं करूंगा। रब्बुल आलमीन हमारी निगाहों की हिफाजत करेगा, गलत चीज नहीं देखने देगा, उसमें लज्जत नहीं मिलेगी।
और वैदा उल्लती यब्तिशु बिहा, मैं तुम्हारे हाथ बन जाऊंगा, वरजुलहु लती अमशी बिहा, तुम्हारे पांव बन जाऊंगा जिससे तुम चलोगे। वह इंसानी लहूतियन्ना, और जो तुम मांगोगे मैं सब तुमको देने लगूंगा। कितना बड़ा फायदा सुन्नतों को पढ़ने का, सुन्नतों को पढ़ने का कितना बड़ा फायदा, और सुन्नत ही नहीं पढ़ पा रहे। ये सोचते सिर्फ नमाज फर्ज है, नमाज फर्ज है, सुन्नत की तो जरूरत याद रखना। बराबर सुन्नतों को छोड़ने वाला अजाब का मुस्तहिक हो जाता है, अगरचे हम पर फर्ज नहीं है, लेकिन धीरे 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 जब हम छोड़ने लगते हैं तो उस नमाज की अहमियत, उस नमाज की वैल्यू हमारे अंदर से खत्म हो जाती है, यानी उसको मामूली समझने लगते। और याद रखना, सुन्नतों को मामूली समझकर अगर कोई छोड़ रहा है, इस पर वालमा का इत्तेफाक है कि वो बिल इत्तेफाक मुजरिम है, वो गुनाह का, अल्लाह के सजा का मुस्तहिक है जो नमाजों को मामूली समझ करके छोड़ रहा है। सिर्फ फर्ज है ये सुन्नत, इसका कोई वैल्यू थोड़ो। अब आप ही बताओ कि जब रब्बुल आलमीन हमने ऐलान कर दिया तुम्हारी हर मांग पूरी करूंगा, तो क्या ये जो हम दुश्मन हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, मांगेंगे अल्लाह से बचा ले तो क्या नहीं बचाएगा? जब वो बचाने पर आ रहा है तो हमें चिल्लाने की क्या जरूरत है, प्लानिंग की क्या जरूरत है? हमें नेक बनने की जरूरत है मुसलमानों, इधर उधर मत भटको, सिर्फ अपने अपने अमाल का जायजा ले, अपने अमाल का जायजा ले, अपने अंदर झांक कर देखे मैं कैसा हूं, दूसरों पर नजर उठाने से पहले अपने अमाल का जायजा ले। और रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعُوذِيَنَّهُ, और मेरा बंदा मुझसे पनाह मांगेगा तो पनाह भी दूंगा, उसकी हर मांग पूरी करूंगा। अब आप पनाह मांगते कि अल्लाह इन दुश्मनों से बचा ले, और हमारे उन भाइयों को जो त्रिपुरा में या बंगाल में या और दीगर स्टेटों में, हिंदुस्तान के दीगर जगहों में, दिल्ली के कुर्ब उत्तराप में जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहे, अल्लाह इन्हें अपने पनाह में ले ले, तो क्या अल्लाह ताला हमारे इस यानी अपने वादे के मुताबिक हमारी मदद नहीं करता? उसने वादा किया तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी मुरादे पूरी करूंगा, तुम्हारी फरियादें सुनूंगा, पनाह मांगोगे तो पनाह भी दूंगा। हम अल्लाह से दुआ करते या अल्लाह हमारे तमाम मजलूम भाइयों को अपने पनाह में ले ले, तो क्या अपने वादे के मुताबिक मदद नहीं करता? मदद करता, लेकिन जब हमें यकीन होगा उसकी किबरियाई पर, उसके वादे पर, तब तो हम मांगेंगे। तो सबसे पहला सबब नमाजों से दूरी, नमाजों से दूर रहना। इंशाअल्लाह अज़ीम, मैं उम्मीद रखता हूं, उम्मीद करता हूं आप तमाम अहबाब से कि हम सब नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले नमाज, फिर अपने दीगर कारोबार इंशाअल्लाह अज़ीम। और जरूरी नहीं कि आप धारुली बेसी के मस्जिद में आओ, जहां मस्जिद आपको मिल जाए, किसी भी जमात की मस्जिद हो, बशर्ते कि वहां पर नमाज पढ़ाने वाला मुशरिक ना हो, बिदाती ना हो, बिदाती और मुशरिक ना हो, तो हमारी नमाजें किसी के भी पीछे किसी भी मस्जिद में हो जाएंगी, बशर्ते कि नमाज पढ़ाने वाला मुशरिक, मुनाफिक और बिदाती ना हो। उसका शिर्क, उसका निफाक, उसकी बिदात अगर जाहिर है, आया है, तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। लेकिन अगर किसी को पता नहीं, वो शिर्क करता लेकिन पता नहीं, तो गैब का इल्म अल्लाह को है, हमें नहीं है, पढ़ सकते किसी भी मस्जिद, किसी भी जमात का। ये जरूरी नहीं कि आप यहीं पर आएंगे या आप किसी और अपनी जमात की मस्जिद तलाश। हाँ, अगर फितने का अंदेशा है कि दूसरी जमात की मस्जिद में जाएंगे तो फितना होगा, झगड़े होंगे, तो फितनों से बचने के लिए ऐसी जगहों पर भी मत जाना। तो बहरहाल, तबाही और बर्बादी के का दूसरा सबब बेहयाई, बदकारी को आम करना। समाज और मुआशरे पर नजर दौड़ाओ यारो, मोबाइल का जमाना है, कितनी बेहयाइयां, फौजकारियां, बदकारियां समाज में शुरू, अल्लाह की पनाह। एक शख्स खुद गंदी तस्वीरें देखता है, अपने दोस्तों को दिखाता है। एक शख्स जो है टीवी ऑन करके घर में बैठा है, उसकी बेटी भी है, मां भी है, बहन भी है, बच्ची भी है, बेटा, सब एक साथ बैठ करके। अब उसमें कभी कभी एडवर्टाइज भी आते हैं, खबरों का नश्र किया जाता है, जिसमें गंदी तस्वीरें होती हैं और गंदी चीजें होती, सारे लोग बैठ करके देखते हैं। क्या सारे लोग आंखें बंद करते जब गंदी तस्वीरें आती? कोई नहीं बंद करता। धीरे धीरे शर्म, शुरू शुरू में शर्म लगता,
कि अब्बू बैठे हैं बगल में, अम्मी बैठी, उसके बाद शर्मो हया खत्म हो जाता, शर्मो हया खत्म हो जाता। एक एक शख्स, एक नौजवान बुराई करता, अपने दोस्त नस्र करता, बताता कि मैंने फला लड़की से कंटेक्ट किया है, मेरा उससे बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है, मोहब्बत है, मैं उसके साथ ऐसा ऐसा करता हूं, नाउज बिल्लाह, सुम अस्तगफिरुल्लाह। ये सब अल्लाह के अजाब को वाजिब करने वाले अमाले कबीहा है, क्योंकि अल्लाह ने बयान फरमाया, इन्नल लदीना युहिब्बून अन तशिया अल फाहिशतु फिल लदीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। जो लोग मुसलमानों में, मेरे मोमिन बंदों में, फ्वाहिशात को, लगवियात को, बेहयाई को, बदकारी को नश्र करना बेहतर समझते हैं, उन पर मेरा अजाब दुनिया में भी नाजिल होगा और आखिरत में दर्दनाक अजाब उन्हें भी दूंगा। अब ये बताओ, एक मुसलमान का बच्चा अपने दोस्त के दोस्त मुसलमान ही होते हैं, कहां बयान कर रहा, मुसलमानों ही में, मुसलमानों ही में। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, दुनिया में भी मेरा अजाब नाजिल होगा, आखिरत में जबरदस्त अजाब नाजिल होगा। पता ये चला, ये आयत करीमा इस बात की तरफ इशारा कर रही कि शायद हमारे समाज और मुआशरे में बेहयाइयां ज्यादा हैं, बदकारियां ज्यादा हैं, जिसके वजह से जगह जगह मुसलमान कट रहे पिट रहे हैं। अल्लाह के वास्ते अगर कोई हमारा दोस्त अपने गर्लफ्रेंड के वाकयात बयान कर रहा है, अल्लाह के वास्ते उसको मना कर दो कि भाई मुझसे मत बयान करो, दोस्ती हमारी तुम्हारी है दीन के खातिर, अल्लाह उसके रसूल के खातिर, मुझसे ये बुरी चीजें, ये गंदी बातें नश्र मत करो, उसको मना कर दो। नहीं, अगर मना नहीं करेंगे तो याद रखना आप सुनकर उतने बड़े मुजरिम हो गए जितना बड़ा मुजरिम वो करके हो रहा है, दोनों के गुनाह में कोई कमी नहीं होगी। वक्ती तौर पर आपको लज्जत मिलेगा कि मुझसे भी अपने जो है महबूबा के खबरें बयान कर, लेकिन याद रखना उतना बड़ा ही अजाब आप पर भी नाजिल होगा जितना बड़ा अजाब उस मुजरिम पर नाजिल होगा, दोनों बराबर के मुजरिम हैं। इसलिए हमारा कोई दोस्त अपने महबूबा की खबरें या गंदे ताल्लुकात में अपने बीवी ही की बातें बताएं, यह भी बेहयाई बदकारी में आता है, ये भी बेहयाई में आता है, अपनी बीवी की खबरें बातें अपने दोस्तों से बयान करें कि मैंने अपने बीवी के साथ ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये भी बदकारी में आता, याद रखना। ये बयान करने वाले को अल्लाह के नबी ने दयूस कहा है, जो अपने बीवी की बातें बाहर ले जाकर के दोस्तों में नश्र करता। तो समाज और मुआशरे के टूटने फूटने कटने पिटने के बिगड़ने के सब असबाब में से एक सबब यह भी है कि बेहयाई को आम करना। एक और सबब मैं बयान करता हूं, शर्मो हया, शर्मो हया का खत्म हो जाना। शर्मो हया, हया नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, जबकि हया ईमानियात में से है, हया शर्म कुछ भी नहीं। एक अब उसकी मिसाल मैं दे रहा हूं, किसी बच्ची का रिश्ता हुआ, अभी शादी नहीं हुई है, निकाह पढ़ा नहीं गया है, और वो लड़की अपने होने वाले शौहर से बात शुरू कर दी, हालांकि भी शौहर बना नहीं है। याद रखना, शौहर वो उस वक्त बनेगा, अभी वो औरत उस पर हराम है, बातें नहीं कर सकती। ऐसा थोड़ो कि अब रिश्ता हो गया, अब बात शुरू कर दो दिन और रात। अब बातें शुरू है, लड़की की मां ने फोन आया, उधर उसे होने वाले दामाद का फोन आया, ले बच्ची बात कर ले, तेरा होने वाला शर्म, शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं। वो मां अपने हाथों से मोबाइल अपने बच्ची को देती, शुरू शुरू में बच्ची शर्माती है, धीरे धीरे मां उसके शर्मो हया की गैरत को बिल्कुल मार डालती है, कुचल कुचल कर मारती है। अब वो बच्ची धड़ल्ले से उससे बात करती है, पता ये चला 2-3 महीने के बाद वो होने वाला दामाद रिश्ता कैंसिल हो गया, दामाद होना उसका कैंसिल हो गया। अब उस मां ने उस बच्ची को बेहया बनाया है, अब वो कहीं और अपना फ्रेंड तलाश करती है और बात करना शुरू कर देती। ये है हया का आलम, बेहयाई का आलम हमारे समाज का। और ये कदम, कितने वाकयात हमारे सामने, कितने एक खबरें मेरे पास है, वैसे थोड़ो मैं बोल रहा हूं। शर्मो हया को अगर मजीद आपको देखना है, बड़े घरों में जब शादियां हो, जिनको नए नए दौलत मिले हैं, नए नए दौलतें मिली हैं उनके घरों में जब शादियां हो, सब नहीं, कुछ एक की बात मैं कर रहा हूं, जो क्या नाम है
बड़े बड़े मैरिज हॉल बुक करते हैं, जैसे आपके यहाँ पर रोड पर हैवरखेड़ इधर कौन सा है मोहल्ले के, आशीर्वाद है ना, आशीर्वाद एक मैरिज हॉल, वहाँ पर जो लोग बुक करते हैं आप वहाँ जाकर के देखना कितनी बेहयाई। हाँ, वीडियोग्राफर को बुलाया जाता है, वो वीडियोग्राफर बाकायदा अपने चार छह दोस्तों को लेकर के औरतों में जाता है, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, औरतों में जाता, हमारी बहन वहां बैठी है, माँ बैठी, बेटी बैठी है, वो एक गैर महरिम जो है जाकर के उसकी तस्वीर वीडियो बना रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। ये है हमारे समाज और मुआशरे का आलम। अब अगर कोई बयान करने वाला बोल दे तो बोलते जनाब इतना खतरनाक खतरनाक बोलते, क्यों बोलवाते हैं, क्यों बेगैरती वाला काम करते हैं। अब समाज में आप याद रखना, एक इमाम जो होता है सिर्फ मुसल्ले का नहीं होता कि सिर्फ मुसल्ले का इमाम है, वो मस्जिद से बाहर भी जाए तो वहां भी इमाम होता आपका, उसकी जिम्मेदारी है कि मस्जिद के अलावा बाहर भी जो बुराइयां वहां भी वो रोके मना करे। और आप लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए कि ये हमारा इमाम है, इसका हक बनता है कि मस्जिद में नहीं बल्कि मस्जिद से बाहर भी ये बुराइयों को रोके। उसे इख्तियार दो, उसे पावर दो कि हमारे मोहल्ले के गलियों में जो जराइम हो रहे हैं आपके मस्जिद को जो इमाम है उन्हें इतनी पावर दे दो कि मस्जिद या मोहल्ले के गलियों में जो बुराइयां हो रही है, बेहयाइयां हो रही हैं, वहां भी जाकर के वो उस पर कंट्रोल करें, उन्हें पावर देना। पावर कौन देंगे, हम और आप। अब अगर बाहर किसी को जनाब ने टोक दिया बुराई करते हुए, फितना हो जाएगा, फितना हो जाएगा। अब मस्जिद में चीख चीख कर कितना हम बुराई रोकेंगे, हमने सिर्फ उनको मस्जिद का इमाम बनाया है, ना तो अपना इमाम बनाया है ना तो मोहल्ले का इमाम बनाया। हालांकि जो इमाम होता है पूरे मोहल्ले का, मस्जिद का और मस्जिद में आने वाले तमाम लोगों का, तमाम मुसलमानों का इमाम होता है। वो मुसलमान जहां भी दुख दर्द में होगा इमाम वहां जाकर के उसके मसाइल को हल करेगा, जहां भी जराइम और क्राइम होंगे वहां जाकर के जराइम और क्राइम पर पाबंदी लगाएगा, ये इमाम की जिम्मेदारी है। लेकिन जब उसको पावर देंगे तब, तो मैं ये कह रहा था बेहयाई का यह आलम है कि वीडियोग्राफी की जाती है, वीडियोस बनाए जाते हैं शादियों में, क्यों वीडियो बना रहे। अल्लाह के नबी ने मना किया, अल्लाह के नबी ने कहा क्यामत के दिन सबसे भयानक अजाब तस्वीर बनाने वालों को होगी, यानी अब वीडियो जो बना रहे हैं उनको नहीं होगी, जो सिर्फ तस्वीर बना रहे हैं उनको। अगर तस्वीर बनाने वाले को अजाब मिलेगी तो बदर्जे औला वीडियो बनाने वाले को अजाब मिलेगी। किस चीज की यादगार रखने, कितनी औरतें आई थी, अरे बनवाना है, बेगैरती की भी कोई हद होती है। वहां मां बहन सब बैठी हुई, सब सबके बीच में गैर मर्द को भेज दिया, यह गैरत कैसे बर्दाश्त करती है कि हम बाहर खड़े, अंदर भी हम साथ में भी नहीं, बाहर खड़े रहे, हमारी मां और बहनों का जाकर के गैर आदमी, एक हिंदू धर्म का मानने वाला जाकर के बड़े दीदा दिलेरी के साथ वीडियो बना रहा है और अलग अलग एक्शन में, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये है बेहयाई का आलम। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इदा लम तस्तही फसना माशीता, जब तेरी हया और तेरी गैरत मर जाए, शर्मो हया मर जाए, जो चाहे वो करे, जो चाहे वो करे। तो समाज और मुआशरे पर जो अजाब अल्लाह का नाजिल हो रहा है इसकी तबाही का एक मेन सबब बेहयाई भी है। यारो ऐसी जगहों पर अल्लाह के वास्ते अगर यकीनन हमारे अंदर ईमानी गैरत बाकी है, पक्के और सच्चे मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके नबी के फॉलोअर हैं, अल्लाह और उसके नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, तो ऐसी जगहों पर, ऐसे दस्तरखान पर जहां पर अल्लाह और उसके नबी के कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, उस दस्तरखान से उठ करके चले आए, एहसास दिला दे कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह उसके नबी के फॉलोअर हैं, अल्लाह उसके नबी की इत्तिबा करने वाले हैं, अल्लाह उसके नबी के फरमान पर हम अमल करने वाले हैं। हम ऐसे दस्तरखान पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐसे दस्तरखान पर ना बैठो। और ये भी बयान फरमाया जो मोमिन होगा आखिरत पर और अल्लाह पर जो ईमान रखने वाला होगा वो ऐसे दस्तरखान पर नहीं बैठेगा, कैसे, जहां पर अल्लाह और उसके नबी की मुखालफत की जा रही हो। वीडियोस बनाना मुखालफत नहीं है तो क्या मुवाफिकत है। अल्लाह के नबी ने 11-11 शादियां रखी थी, कितने वीडियोस बनाए थे, चलो क्या नाम है, ये मोबाइल का जमाना नहीं था, कैमरे नहीं थे, लेकिन ऐसे ऐसे तस्वीरों के बनाने वाले माहिरीन मौजूद थे। अब ऐसे माहिरीन मौजूद नहीं हैं,
उनके हाथों से नबी बनवा लिए होते। चलो नबी ने नहीं बनवाया, उनको मालूम नहीं था नऊज़ बिल्ला, लेकिन नबी के बाद में रहने वाले सहाबा को तो बनवाना चाहिए था, सहाबा के बाद किसी ताबईन को तो बनवाना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ, ना तो हम नबी को मानते, ना सहाबा को मानते, ना ताबईन को मानते, किसी के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार नहीं। सिर्फ दावा है हमारा कि हम अमरे असलाफ के रास्ते पर चलते, सिर्फ दावा। अगर दावा नहीं, सच्चे हैं अपने दावे में, तो आज के बाद से ऐसे दस्तरखान पर कदम भी मत रखना जहां पर अल्लाह उसके नबी की मुखालफत की जा रही हो, किसी भी शक्ल में, चाहे गरीबों की नाकदरी करके या इस तरह से वीडियोस बनवा करके, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवा करके किसी भी नाहिये से अल्लाह और उसके रसूल के कानून की मुखालफत की जा रही है, तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम में, ऐसे दस्तरखान पर बिल्कुल भी मत बैठना। इंशाअल्लाह अज़ीम एहसास दिला दे कि नहीं भाई, हम मुसलमान हैं, हमारे नबी ने हमारा कर दिया। देखो अल्लाह के नबी को उनके दामाद ने, हजरत अली ने दावत ली, लाइलमी में दरवाजे पर जो पर्दा लटका रहा था उसी पर्दे में तस्वीरें बनी हुई थी। अल्लाह के नबी नाराज हो गए घर तक वापस लौटने लगे। हजरत अली ने कहा, अल्लाह के नबी क्या हुआ, कौन सी गलती कर दी? अल्लाह के नबी ने कहा, इस पर तस्वीरें छपी है, जहां तस्वीरें होती हैं वहां रहमत के फरिश्ते नहीं जाते, जहां रहमत के फरिश्ते ना जाए वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं जाते, लेकिन रसूलुल्लाह के मानने वाले वहां जाएंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। हमारे नबी ने पैगाम दिया कि जहां भी खिलाफी शरा काम देखो वापस आ जाओ। अगर पक्का मुसलमान हम हैं, सच्चे मुसलमान हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीम नबी के इस कैरेक्टर पर, इस किरदार पर, सीरत पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। इसके अलावा भी बहुत सारे असबाब हैं, वक्त नहीं है कि मजीद मैं और असबाब बयान कर सकूं। एक और चीज मैं बयान कर दूं बस दो मिनट के अंदर, बच्चों की सही तरबियत ना कर पाना, यह भी एक सबब है, यह भी एक सबब है समाज और मुआशरे की तबाही और बर्बादी का। वो हमारा 5 साल का, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा 20 साल वाले नौजवान के साथ रह रहा है, हराम है, जायज नहीं है, क्योंकि वो जो बच्चा मासूम है, अभी उसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं आए, मोछ नहीं आए हैं, उस बच्चे की तरफ भी हम टकटकी बात करके नहीं देख सकते। जिस तरह औरत पर नजर उठाना हराम है, ऐसे उस बच्चे को भी टकटकी बात कर देखना हराम। मैं नहीं कर रहा, नबी की हदीस है ये, थोड़ा ये मत कहना कि जनाब ने बयान किया, बात समझ में आ रही। उस बच्चे की तरफ भी टकटकी बात करके ना, जब टकटकी बात करके नहीं देख सकते हैं तो उस बच्चे को, 8 साल 10 साल वाले बच्चे को, 20-25 साल वाला बच्चा अपने साथ में कैसे रख रहा है? यहां लिवातत के जराइम, जराइम जो है रूनुमा होते हैं, बदफेली यहां पैदा होती, बदफेली के जराइम मैंने अपने नजरों से देखा। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, कोर्ट की बात नहीं कर रहा, इन्हीं निगाहों ने देखा है। वो बच्चा दोस्ती करता है, एक बड़े लड़के से दोस्ती कर लेता है, दोस्ती में रहता है, वो समझता है ये हमारा दोस्त है, हमारा हमदर्द है, छोटा मासूम बच्चा, लेकिन धीरे 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 वो दोस्ती उसको गलत रास्ते पर ले जा करके डाल देती है, बेहयाई बदकारी पर आमादा कर देती है। एक केस नहीं, कई एक केस है ऐसे। तो अपने बच्चों को सही तरबियत करो, उन पर कड़ी नजर रखो, उन पर कंट्रोल रखो। हमारा बेटा है, अब इतने मजबूर क्यों है हम कि उसको कंट्रोल नहीं कर सकते? क्या मजबूरी, क्या परेशानी? अरे नहीं कहना मानता, सख्ती करो, अथॉरिटी हमें, हम बाप हैं, उसे मारे पीटे, लेकिन ऐसी जगहों पर जाने से मना कर, क्योंकि अल्लाह के नबी ने तुम्हारे कर दिया मसलुल जलीस सालिह वसूल, अच्छे और बुरे लोगों की मिसाल ऐसे है, अच्छे और बुरे लोगों की दोस्ती की मिसाल ऐसे है जैसे कामिलिल मिस्क वनाफिखिल कीर, अच्छे लोगों की मिसाल इत्र बेचने वाले की तरह, बुरे लोगों की मिसाल भट्टी जलाने वाले की तरह, लोहार की तरह। अच्छे आदमी के पास जाएंगे, जैसे इत्र वाले के पास जाएंगे खुशबू मिलेगी, ऐसे लोहार जो भट्टी जला रहा है, तपा रहा है, उसके पास जाएंगे तो तपिश मिलेगी, उसके धुएं मिलेंगे, वहां से उड़ने वाली चिंगारियां मिलेंगी। हमारा बच्चा अगर नेक बच्चों के साथ रह रहा इंशाअल्लाह अज़ीम दीन सीखेगा, लेकिन अगर बुरे बच्चों के साथ रह रहा तो दीन नहीं सीखेगा, बुराई सीखेगा, बिगड़ेगा, उसको न जाने कैसे कैसे जराइम मिलेंगे। तो इस पर भी हमें कंट्रोल रखना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे अज़बाब, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला
तो मैं जरूर इसका पोस्टमार्टम करूंगा इंशाल्लाह ताला। बहर आलम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को मस्कूरा तमाम असबाब को समझने की और उन असबाब को अपने जिंदगी में फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही हम तमाम मुसलमानों को जो है हर किस्म के फितनों को समझने की, हर मौजूदा फितनों को, हर आने वाले फितनों को समझने की, उन तमाम फितनों से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। और जब तक हम सबको इस दुनिया के अंदर जिंदा रखा, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदा रख, और जब हम सबका खात्मे ईमान बिल खैर, आमीन तकब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना वलकुम फिल कुरान अल अज़ीम वनफ़अनी वइय्याकुम बिल आयति वज़्ज़िक्रिल हकीम, इन्नहु तआला जवादुल करीम वमलकुम बर्रौफुर रहीम।